काव कैसे करती काव? ये हमारी मैडम सदुपयोग करते हुए मोदी जी के लॉकडाउन का क्या पढ़ रही हैं? इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ रहे हो? इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अस हाउ डज द फ्यूल सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट वर्क? बेटा क्या करा तू? इन टू मिनट्स आपके लिए भी तालियां बजा देंगे और 9 बजे आपके लिए भी दिए जला जाएंगे, बताइए। तो मेरे लिए एक सेंटर टैंक होता है, ये वाला बीच में, फिर दो इनर टैंक होते हैं, देन आउटर टैंक होता है। इनर टैंक और सेंटर टैंक टाइम अप टाइम। बहुत बड़ा समझाया। गाइस मैं आपको समझाऊंगा। ये आपके इंजन है, ये एक इंजन है, ये एक इंजन है। इंजन को चलने के लिए चाहिए। के लिए तो 10 मिनट को दो मिनट। सुन लो, विंग में तेल भरा होता है, आपने घुमाई चाबी, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तेल चला जाएगा और आपका जहाज चालू हो जाएगा। वाह मोदी जी, वाह हम, वाह मोदी जी वाह। तो हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार, लेकिन आज एक दिक्कत आ रही है। आज पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी में बालू मिली हुई आ रही है, इसीलिए आज हम लोग कर रहे हैं अपनी टंकी की सफाई। तो चलिए आपको आज नहीं कितना नया कंटेंट है देखो हमारे पास, हम टंकी की सफाई दिखाएंगे आज, वो कैसे होती है। वाह 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 मोदी जी वाह। यू वांट टू कम? गोदी आओगे, अपने आप चलोगे? हैं दोदी। ऐसी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्क। इसको तो भैया लॉकडाउन खत्म हो, सबसे पहली जगह इसको मैं कहाँ पे कहा है पापा कहा है? चप्पल ये रहने दो, ऐसे आ जाऊंगा। रुक जा, रशु कहा है? रशु इतनी मिट्टी निकाली है? अरे बाप रे बाप, इतना मिट्टी कैसे आता है? देखो भी इसमें भी है। रुको जरा, इसमें तो आधी भी नहीं है। अरे बाप, तो अभी आधी निकली, आधी हो। अपनी टंकी कौन कौन सी है? ये सारी है। बाप रे भैया, ये देखो बालू है। अच्छा अभी सूखेगी। अंदर तो पूरा भी नहीं घुस सकता, आपको घुस भी नहीं सकता, पता दुबला घुस। सही में सारी फिल्टर में इकट्ठी हो जाती है, गीजर में इकट्ठी हो जाती है। कितने टाइम बाद सफाई कर रहे हैं आप हम लोग? ये अभी करी थी मैंने, साथ में बस अब मैंने पहले करी थी। ये जो पीछे गली दिख रही है, हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे इस वाली गली में पूरा। ए रशु चिकलू, बाय बाय कर दो, बाय बाय पापा को। लस्सी है, मस्त गर्मी का आम पन्ना। तो हम लोग इस पाइप को सपोर्ट देना चाहते हैं यहाँ से, ये बहुत बड़ा पाइप है, यहाँ से लेके यहाँ तक इससे पानी आता है बस। तो गिर जाएगा ना? क्यों? बेकार, अनसक्सेसफुल। पूरन भैया ने साफ करी टंकी हमारी, और पूरी छोटे भैया का बहुत योगदान, छोटे भैया आदित्य भैया का बहुत योगदान है। इनका देख सकते हैं कितना काम किया हमने। ये देखिए पूरा कच्चा बनाया, मिट्टी से सन गया इनका कच्चा, थोड़ी देर में उतरने वाला है। पूरी टंकी साफ हो गई है, ये देखिए वही क्लीन। अरे वाह, क्लीन होने के पहले इसका हाल कुछ ऐसा था। ये देखिए ये भी क्लीन होगी, इसमें पूरी की पूरी मिट्टी। चिपक के नीचे ये आधी उतरते कैसे यहाँ से? रशु ओ डांस, ओ देखो जरा प्रभु देवा, इसमें इसमें बनू इसमें। रशु मम्मा को देखो, लॉकडाउन में इतना इतना घी। ये हमारी वाली थाली तुमने 22 मार्च को बजाई थी ऐसे ऐसे करके, तभी इसमें डिजाइन बन गया था ना मोटे। खाओ ये। रशु तुमने ऑन कर लिया इसको? कि एक रिफिल में कितनी रेत आती है। आई थिंक उस घर में कोई बच्चा रो रहा है, आवाज आ रही है। तो ये देखिए गाइस, इतनी मिट्टी सिर्फ एक बार में आ गई। सुबह आपको मैंने दिखाया था, ये पूरा चमकदार था। सो यू कैन इमेजिन, इस वाले पाइप से पानी आता है अंदर, सो इसलिए यहाँ का एरिया क्लीन है और यहाँ मिट्टी है, क्योंकि वो फ्लो से मिट्टी को आगे भेज देता है। देखिए कितनी बेहतरीन एनालिसिस कर रहे हैं आपके लिए हम, इतना बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट है ये, वो मेरी शक्ल भी दिख रही है। हाय गाइस, प्लीज़ लाइक कर देना, हिट द सब्सक्राइब बटन। और सही बता तो एक दिल की बात, बहुत मुश्किल हो रहा है यार क्वारंटीन में हम व्लॉगर्स के लिए, कुछ करने को होता नहीं है। साला ऊपर छतों पर चढ़ चढ़ के टंकियाँ दिखा रहे हैं आपको, क्या करें भाई, ज़िंदगी बहुत ही। कहाँ एक टाइम ऐसा था घूमते थे पहाड़ों पर, नदियों में,
यहाँ सारा टंकियां दिखा रहे हैं। एनीवेज गाइस इसी से काम चलाइए आप, बट काफी मिट्टी आती है हर बार, मेरे को लगा ना इतनी मिट्टी आती होगी। चलो एक चीज़ और, आज हमारा ना ग्रोसरी डे था, सो हमारे घर से सिर्फ एक बंदा जाता है ग्रोसरी लेने। इसके पिछले हफ्ते मम्मी गई थी, इस हफ्ते पापा गए थे। सो पापा कह रहे थे कि बाहर सड़कों में जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं वहाँ तो ठीक है भीड़ भाड़ नहीं, जैसे ये भी थोड़ी मेन रोड ही है, अगर आप अंदर गलियों में जाएंगे ना लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो लोग घूम रहे हैं। कहते मैं गया तो वहाँ पे लोग पार्क में भी घूम रहे थे, दूसरे हाइक में, पार्क में क्यों घूम रहे हो बाहर? कहते यार कुछ नहीं पार्क है अंदर ही है अपना घूम रहे हैं। देश लॉकडाउन है, काम धंधा सबका बंद है, बहुत नुकसान हो रहा है इकॉनमी को, हर चीज़ को बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें अगर हम ठीक से जो काम दिया गया हमें घर पर रहने का वो नहीं करेंगे तो बस नुकसान फालतू का, ना तो कोरोना जाएगा और सारा नुकसान अलग हो जाएगा। गो कोरोना, बस एक इंटरनेट पे मीम ही बन जाएगा, कोरोना जाएगा नहीं। जय श्री राम। क्या है? डेट ला दियो, पापा को दे दो डेट। जो हमारा ब्रेकफास्ट होता था हम सोचते हैं कि लंच टाइम कम होगा, लंच टाइम में सोचते हैं चाय टाइम कम होगा, है ना? अरे वाह। लेकिन क्वारंटाइन का फायदा है, अपने पुराने ये सब निकला है, सेट निकला है। मैंने टिफिन दिया है तो सब फिनिश करके आओ। हाँ। भी टिफिन में रोटी बचा के नहीं लाया। मैं तो अक्सर खाता ही नहीं था, तो 2 बजे टाइम निकल गया, 3 बज गए, 4 बज गए, कोई आगे मिलने वाला, मैं करता था घर जाऊंगा डांट पड़ेगी, तो देता था ऑफिस बॉय को, तो वो पागल क्या करता था, खाना वाना खा के 2 बजे टिफिन वापस कर देता था, घर आके पता लग जाती थी इंजीनियर। तो आप लोगों ने भी सोचा था कि लाइक हम लोगों के लिए की मैं सोचा था कि ये UPSC क्वालिफाई करेगा, IAS बनेगा, मैंने कहा चलो नहीं है तो इंजीनियर ही सही है, वो भी नहीं बना। कि भाई मेरा लड़का जो है वो IIT में आए। श्रीनाथ कहते हैं योगेंद्र तनेजा जी हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं? जीवन में जो जो मांगा मिलता गया और कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, हमेशा मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बस हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव ना सोचो और मेहनत करो। बहुत स्ट्रगल किया, कई कई दिन तो ऐसा होता था कि पापा जी ने कई कई बार बिजनेस चेंज किए, एक नहीं चला दूसरा नहीं चला, तो जो ट्रांजिशन होता था उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने बचपन से ही थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया था, मैं 4थी या 5वीं में था, जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हुई तो थोड़ा बहुत सामान वामान लगा के, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं थोड़ा बहुत सामान वामान लगा के बैठ जाते थे, बेच दिया, हाँ घर के पास ही, तो खेलते भी थे, सामान बिक जाता था। फिर जब हाई स्कूल में पास किया तो ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, इंटर में आया तो मैं हाई स्कूल पढ़ाता था, जब BCOM में गया तो इंटर पढ़ाता था, BCOM फाइनल में गया तो फिर फर्स्ट ईयर लड़कों को पढ़ाता था। हाँ वो मेरा एक दोस्त था, अब पता लगा मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और वो अपनी वाइफ को छोड़ने जा रहा होता था, तो उसका घर पहले पड़ता था, मैं रास्ते में पड़ता था, वाइफ को छोड़ने के लिए कहता था योगेंद्र अपनी स्कूटर मेरे को दे दे, मेरी स्कूटर खराब है। मैंने कहा मैं बैंक कैसे जाऊंगा? कहते अरे आपका बैंक पास में है, मेरे को वाइफ को छोड़ने जाना है, मैं छोड़ के स्कूटर आपको वापस दे जाऊंगा। वो अपनी स्कूटर मेरे घर पे खड़ी कर जाए, खटारा जो नहीं चलती है मेरी ले जाए, और आए ना 2-2 दिन उसका देखो। उसकी स्कूटर मेरे घर पे खड़ी है और मैं भैया दूसरे की लिफ्ट ले लेके बैंक जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि वो 2-3 दिन स्कूटर आई नहीं मेरी, तो मैं घर पे गया उसके स्कूटर, मैंने कहा भैया स्कूटर मांग के लाऊं अपनी? कहता अरे यार वो पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो वो मैं वहाँ खड़ी कराया, तो अगर तुम बैंक जाओगे ना तो शाम को पेट्रोल भरवा के ले लेना। तो मैंने उससे डील कर ली, मैंने कहा तेरे पास स्कूटर रोज नई नई आती हैं तो तू मेरे को स्कूटर सिखा दे, मैं तेरे को ना पढ़ा दिया करूंगा। हम लोग जब छोटे थे पापा 14-14 घंटे बिजली कटौती थी, हमें आए दिन कटिया तो पहले तो बहुत लोग कटिया डालते थे, तो मेरे दोस्त के पास था उसमें लाइट ज्यादा आती थी, वो अलग स्टाइल का था, तो उसके घर जाते थे पढ़ने कि उसके पास लालटेन अच्छा वाला। देखो देखो किंगफिशर ही नीलकंठ है। आजकल रोज आता भैया ये, जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे नए नए बर्ड आने लगे, किंगफिशर आ गया आज। देखो बीक कितनी बड़ी है, उसकी भी इतनी बड़ी है। क्लास में था उस टाइम मैं बहुत पढ़ता था, मेरे को ना बहुत इच्छा थी फर्स्ट ऐसे किंगफिशर देखे, मैंने उनसे पूजा मांगी की कि मेरे को बस फर्स्ट दिला दो भगवान प्लीज, और मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन मैं फर्स्ट आया। कहानी का तात्पर्य है कि किंगफिशर को देख के मन्नत मांगे, किंगफिशर पी के मन्नत मत मांगे। फैन कहाँ पे फैन? अरे बाप रे तू शो ऑफ करते हुए मोटे, मैं तेरे यहाँ पैर में और हाथ में वो धागा बांध लूं तेरा धनुष बाण बन जाएगा। नहीं, दैट शी इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग।
बट रिवर्स में मोहन मोंडे यू कैन डू इट यार कुछ लोग पीएम केयर में डोनेट करते हैं अगर मेरी हड्डी टूट जाए तो गौरव तनेजा केयर में भी थोड़ा एडवांस ओह बट मोंडे यू डिड इट यार ये देखो रशी हमारी ये देखो रशी करके दिखाओ बेचारे का टूटा हुआ एक मम्मी कहती पजामा कुर्ता पहनते पहनते मतलब देखते देखते मैं परेशान हो गई हूँ जब से लॉकडाउन हुआ मैंने कल मैं इसके ऊपर टाई बांध लूंगा लेट्स डू आवर इवनिंग वॉक ऐसे ऐसे दो दो मीटर दूर बन बन मुर्गा बन लो बन गई तो भैया बन गई हाँ डुआ नीचे हाँ मुर्गा बन लेगा तू हाँ आदि मुर्गा बन जाएगा देखो बन गया देखो बन गया बन गया ओ देखो भाभी देखो बन गई देखो बन मम्मा नहीं बन पापा बन गए बन गए भाई बन गए मम्मी नहीं बन पा रही ये तो आगे आ गई है मुझे दिखा था यहाँ बिल्ली है यहाँ पे रुक जा अरे जब मैं आया ना भाग गई जो बिल्ली का बच्चा नहीं है ये दूसरा बिल्ला आ रहा है वो तो उसके चक्कर में पता है हाँ बैठा हुआ था बेटा खा जाएगा दरवाजे बंद रखो अंदर रहो प्लीज क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है बहुत नुकसान हो रहा है इकॉनमी का बहुत नुकसान हो रहा है देश का दुनिया का उसमें अगर हम अंदर नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा और जब ये कोरोना की सिचुएशन ख़त्म होगी तो हम इस गिल्ट में ना रह जाएं कि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत से हमारे सारे भाई और बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी yeah, yeah.